उससे बड़ी खबर है, आयुष कॉलेज में फर्जी दाखिले का मामला है। आरोपी एसएन सिंह समेत 9 लोगों को 3 दिन के रिमांड। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने रिमांड का आदेश दिया। पूछताछ के लिए एसटीएफ ने अनुरोध पर दरअसल ये आदेश दिया गया है। रिमांड की अवधि 23 नवंबर से 26 नवंबर तक प्रभावी रहेगी। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं लखनऊ से। आयुष कॉलेजेस में फर्जी दाखिले का ये मामला है। आरोपी एसएन सिंह समेत 9 लोगों को 3 दिन के रिमांड। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने रिमांड का आदेश दिया है। इस वक्त विशाल हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, आयुष कॉलेज में फर्जी दाखिले को लेकर जो आरोपी एसएन सिंह, इसके अलावा जो अन्य आरोपी हैं, 3 दिन की रिमांड मिली है इनके लिए? देखिए बिल्कुल आयुष, पूरे मामले को लेकर लगातार एसटीएफ जो है वो जांच कर रही है और इसी कड़ी में अब जो है जो 3 दिन की रिमांड है वो दी गई है और अब माना जा रहा है कि आमने सामने जो तमाम आरोपी हैं उन सबको बैठाकर पूछताछ की जाएगी। 3 दिन की रिमांड जो है वो कोर्ट ने मंजूर की है। कुल 9 आरोपी हैं जिनकी रिमांड ये मंजूर की गई है, जिसमें एसएन सिंह भी शामिल है। चूँकि लखनऊ के हजरतगंज थाने में जो एफआईआर दर्ज कराई गई थी वो एसएन सिंह की तरफ से ही कराई गई थी, लेकिन उसके बाद इस पूरे मामले में एसएन सिंह की का ही सामने आई, जिसके बाद अब इस पूरे मामले को लेकर जांच जो है वो लगातार आगे है और इन सभी की गिरफ्तारी हो चुकी थी और अब फिलहाल इन सबको रिमांड पर देने की जो अर्जी थी उसको कोर्ट ने मंजूर कर दिया है और अब 3 दिन तक लगातार आमने सामने बैठा कर इस पूरे घोटाले को लेकर जो आयुष में जो तो लोग शामिल थे, जिन्होंने एडमिशन कराए थे, जिनकी भूमिका थी, जिन्होंने बीच में ब्रोकरी का काम किया था, तो उन सब लोगों के बारे में पता लगाने की कोशिश जो है वो जांच एजेंसियां करेंगी और इसी कड़ी में पूछताछ जो है वो आमने सामने बैठा के कराई जाएगी आरोपी। ठीक है विशाल, शुक्रिया आपका। ये